सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं आइए समझते हैं। टैली ईआरपी 9 आप प्राइम में भी सेम एंट्री कर सकते हैं। तो ये कंपनी नई बनी हुई है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेस करके F6 प्रेस करके आ जाइए रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ कैपिटल का लेजर लगा लीजिए। तो ये कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं, एंटर करते हैं और ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया, एंटर करके इसको सब एक्सेप्ट वगैरह करा लीजिएगा और यहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो डाल दीजिए, एंटर करिए। और यहाँ पे कैश में है कि बैंक के थ्रू है वो देखना होगा। तो यहाँ मान लीजिए कैश कर देते हैं, हम फिलहाल कैश कर देते हैं, बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हमें कहाँ चलना है, कौन से वाउचर में, अब हमें परचेज वाउचर में चलना है। तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, ये जो पट्टी सी दिख रही है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सप्लायर का इन्वॉइस नंबर, जो कि सप्लायर द्वारा बिल दिया गया उसका इन्वॉइस नंबर, और यहाँ पर वो डेट जिस डेट पर हो रही है परचेज। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी जो अभी हमने बनाई थी, मैं डायरेक्टली सेल्स में एंट्री पास कर रहा था तो बना दिया था मैंने, और यहाँ पर उनका GST IN वगैरह जो कुछ भी है वो सारा चीज, और यहाँ पे परचेज का लेजर आएगा। तो PURCHASE परचेज अकाउंट कर देता हूँ, ये परचेज अकाउंट हो गया, ये पी प्रेस किया और यहाँ पर परचेज अकाउंट करके एंटर करके एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, ये परचेज अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है माउस। ठीक है, तो यहाँ पे अब माउस हमको परचेज जो किया था उसका हमें यहाँ पे एंट्री पास करना होगा। तो यहाँ पे माउस कर देते हैं और यहाँ पे 50 माउस मान लीजिए हमने परचेस किया, एक माउस की खरीद रेट 100 रुपए पड़ी। ठीक है, और यहाँ पर CGST SGST अब ये हो जाएगा, समझ रहे बात को, अब ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो जो आप परचेस किए रहेंगे उसी को सेल करेंगे, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, द गुड्स हैव बीन सोल्ड परचेस्ड PURCHASED अभी तो परचेज किया तो परचेस्ड ये लिख दिया। अब इसको आप सेल कर सकते हैं, अब आपको कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं आएगी, नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब ये एक ही आइटम मैंने लिया हुआ है, आप चाहे तो आइटम की एक लंबी लिस्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये परचेज किया तो हमें इसका पेमेंट भी देना होगा। तो अब चाहे जिस भी डेट पे पेमेंट देते हो यहाँ से डेट F2 करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 1 मई को पेमेंट करने वाले हैं तो 1 मई 2022 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया हमने और यहाँ पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया और यहाँ पर देखिए ये जो है ना वाउचर चेंज कर लीजिए, पहले वाउचर चेंज करके तब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। और यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट, तो डेबिट आएगा ये राजा सी, जो क्रेडिटर पार्टी हमारी उसी का नाम आएगा। नीचे आपको बैलेंस दिख जाएगा कि इनको कितना देना है, तो 5,250 रुपए देने हैं, तो बस 5,250 करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस की एक विंडो आएगी। ये देखिए, देख रहे हैं बिल वाइज डिटेल वाली विंडो आ गई, अगेंस्ट रेफरेंस पे हमारा कर्सर है और यहाँ पर इसको इस तरीके से लेके और इसका पेमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहे तो बैंक खाते से पेमेंट कर लीजिए, आप चाहे तो कैश करिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, वैसे ज्यादातर पेमेंट जो है बैंक खाते से ही होता है। तो ये एंट्री हो गई। अब अगर दोबारा इसकी यहाँ पे आप एंट्री करना चाहेंगे तो यहाँ पे इनका बैलेंस 0 दिखाएगा, इनका बैलेंस ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इनको पेमेंट आपने दे दिया। ठीक है, अब आप सेल्स की एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, आप अब सेल्स की एंट्री F8 प्रेस करके पास कीजिए। यहाँ पर जो डेटर पार्टी है उसको बिल नंबर दे दीजिए, ये बिल का रेफरेंस नंबर दे दीजिए आप, और यहाँ से डेटर पार्टी का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वसीम डी, तो ये डेटर हो जाएगा और ये संडी डेटर के ग्रुप में चला जाएगा। ये देखिए एकदम आसान है, संडी डेटर हो गया। अब यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस कर दीजिएगा, इससे फायदा रहता है। और बाकी डिटेल भरते हुए आप आगे बढ़िए, सारी डिटेल भर लीजिएगा और एंटर 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 करके लास्ट तक एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराइए, सेल्स अकाउंट का लेजर लगाइए। और हमारे पास एक ही आइटम है माउस, तो ये माउस ले लेते हैं और 40 आइटम हम बेच देते हैं। देखिए अब कोई नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा, अब इसको बेचने के लिए हम 180 रुपए बेचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे CGST फिर SGST ये दोनों ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये लगा करके एंटर करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है द गुड्स हैव बीन सोल्ड, सामान बेचा गया। ठीक है, तो ये बेच दिया गया सामान। यहाँ से बाहर आ जाइए, यहाँ पर दो बार डी प्रेस कीजिए, यहाँ पे सेल्स वाला बिल हम खोल के देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको टैक्स इनवॉइस नजर आएगा आपका। ठीक है, ये सेल्स का बिल है, देख सकते हैं यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम आया हुआ है, सारी डिटेल आप भर सकते हैं। इसमें एक समस्या और आती है कि इसमें टैक्स एनालिसिस आपको नहीं दिखता है, या आप देखने की कोशिश करें तो कैसे देख सकते हैं। तो टैक्स एनालिसिस देखने के लिए आपको
अल्टर के साथ ए प्रेस करना है, जैसे ही अल्टर के साथ ए प्रेस करेंगे ना तो अल्ट के साथ एफ वन प्रेस करना है, और अल्ट के साथ एफ वन प्रेस करते ही यहां पर आपको टैक्स एनालिसिस नजर आ जाएगा कि किस पे कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है। हमारे पास फिलहाल एक ही स्टॉक आइटम है तो उस पर देख सकते हैं ढाई ढाई यानी 5% फुल टैक्स लगा हुआ है जो कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ओके।